ऑटोमाइज एक ऐसी कंपनी है जो 22 साल से आटा मैन्युफैक्चरिंग में है। हम आटा और मसाला के एडवांस मशीनरी डेवलप करते हैं एक इंडिया। आज के वीडियो में जो आप बिजनेस आइडिया हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं, वो बिजनेस आइडिया में ऐसी क्या खास बात है? ये हमारी जो 80% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, ये एक हमारी कंपनी के एक USP बोल सकते हो आप जी। इसी दम पर हम आज मार्केट में सबसे एग्रेसिव और सबसे एक अच्छी कंपनी दिखाई जाती है जी। का जो बिजनेस है, ये बिजनेस में बताने के लिए आपको इतना उत्सुक इसलिए हूँ क्योंकि ये बिजनेस नहीं देखता कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, ये बिजनेस नहीं देखता कि आप एक बड़े शहर में रह रहे हो या एक छोटे से देहात गांव में रह रहे हो। हर जगह, क्यों सर, हर जगह ये बिजनेस चलता है। आप कहीं भी रह रहे हो, आप थोड़ा सा पैसा अगर आपके पास में लगाने के लिए है और आप अपने घर से ही बिना ज्यादा पैसा लगाए, थोड़े से इन्वेस्टमेंट में एक मशीन लगा करके भी अगर ये उद्योग को शुरू करते हो ना, तो धड़ाधड़ पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। ये जो आटा पीसने का उद्योग है ना, ये काफी सालों से लोगों के दिमाग में एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि आटा पिसाने वाले हमेशा चाचा या दादा ही होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी है, बाहर नहीं जा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आटा चक्की डाल दिया है, या फिर के भाई घर बैठे कुछ कर रहे हैं तो आटा चक्की डाल दिया। तो आज की मॉडर्न जनरेशन को कैसे समझाया जाए कि ये बिजनेस मॉडर्न जनरेशन का है? अभी ये बिजनेस देखने गए तो ये यंग जनरेशन का बिजनेस है। अच्छा, हाँ। अभी आप ये सिस्टम देख सकते हो, इसमें आपको कहाँ पर भी उसका डस्टिंग या फिर आटा उड़ा हुआ नहीं दिखता। बिल्कुल, आप ये कहाँ पर भी सेटअप कर सकते हो। और यही चीज को लेकर के हमेशा जो है एक बहस छिड़ी रहती है कि आटा बारीक नहीं मिल पा रहा है, तो ये चक्की में जितना बारीक आटा आपको देखने के लिए मिलेगा वो किसी और चक्की में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे खास बात तो ये है जो सर ने अभी बताई कि ये मशीन ऑटोमेटिक अनाज को लेती है और उसके बाद में जब अनाज हमारा खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक ही मशीन बंद भी हो जाती है, यानी कि आपकी बिजली की भी बचत हो रही है यहाँ पर और सारा सिस्टम ऑटोमेटिक यहाँ पर हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर एक बार कहीं पर आया हूँ ताकि आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया सा बिजनेस आइडिया दे सकूँ। और अगर आप अपने घर से कोई कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप एक बिजनेस आइडिया की तलाश कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को देख करके वो तलाश आपकी यहीं पर ख़त्म हो जाए और आप एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया शुरू कर सकें। दोस्तों हमारे साथ इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आज के बिजनेस आइडिया के बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल में इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पहले जानकारी लेना ही आधा काम करने के बराबर होता है, तो सबसे पहले जानकारी लें, उसके बाद में आप विचार कीजिए कि ये बिजनेस आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल पर। सर अपने बारे में और अपने कंपनी के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम त्रिकांत प्रकाश शिंदे, मैं ऑटोमाइज का महाराष्ट्र का सेल्स और सर्विस सब यहां से ऑपरेट करता हूं। ये हमारा शॉप है ठाणे में, आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली अपना नासिक जो हाईवे वो वहाँ पर लोकेटेड है, ऑन सर्विस हाईवे, सर्विस रोड। और ये आप ठाणे स्टेशन ईस्ट से मुश्किल से 5 मिनट में यहाँ पर आ सकते हो इजीली जी। ऑटोमाइज एक ऐसी कंपनी है जो 22 साल से आटा मैन्युफैक्चरिंग में है। हम आटा और मसाला के एडवांस मशीनरी डेवलप करते हैं एक इंडिया में, और ये मशीनरी इंडिया में भी और एक्सपोर्ट भी होती है पूरे जी। सर आज के वीडियो में जो आप बिजनेस आइडिया हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं, वो बिजनेस आइडिया में ऐसी क्या खास बात है कि हम आपने हमको इतना दूर बुलाया और आप बिजनेस आइडिया सबको बताना चाहते हैं? हम आपको आटे के बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप काफ़ी छोटी जगह पर आपका बिजनेस सेटअप कर सकते हो, काफ़ी कम लागत से आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और एकमात्र चीज ऐसी है कि हर कोई इसको खाता ही है, इसके सिवा कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास जी। बिल्कुल, और आटे का एक बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलने वाला है। बिल्कुल, हाँ, उसमें कभी कुछ अड़चने नहीं आ सकती है, या फिर कोरोना आने दो या फिर कोई भी महामारी आने दो, अपना बिजनेस का कभी स्टॉपेज नहीं आने वाला, ये हमेशा चालू रहने वाला है। क्योंकि लोगों को रोटियों के अलावा ऑप्शन नहीं है रोटियों को देने। बिल्कुल बिल्कुल, ये रोटी और आटा ये हर घर की ज़रूरत है, और जैसे हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान,
सबसे पहले हम रोटी क्यों कहते हैं, क्योंकि रोटी के बिना इंसान रह ही नहीं सकता। बिल्कुल, और उसी के बारे में, रोटी से ही रिलेटेड आज का हमारा बिजनेस है। और आज का जो बिजनेस होने वाला है दोस्तों, मैं आपको एक खास चीज बता दूं कि आज का जो बिजनेस है, ये बिजनेस मैं बताने के लिए आपको इतना उत्सुक इसलिए हूँ क्योंकि ये बिजनेस नहीं देखता कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, ये बिजनेस नहीं देखता कि आप एक बड़े शहर में रह रहे हो या एक छोटे से देहात गांव में रह रहे हो। हर जगह, क्यों सर, हर जगह ये बिजनेस चलता है। आप कहीं भी रह रहे हो, आप थोड़ा सा पैसा अगर आपके पास में लगाने के लिए है और आप अपने घर से ही बिना ज्यादा पैसा लगाए, थोड़े से इन्वेस्टमेंट में एक मशीन लगा करके भी अगर ये उद्योग को शुरू करते हो ना, तो धड़ाधड़ पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी इससे निकल के आती है, वो क्वालिटी का तो जवाब ही नहीं। सर, ये जो मशीनरीज हैं जो आज बता रहे हैं वीडियो में, जैसे हमने देखा है कि मार्केट में कई अलग अलग तरह के आटा चक्की ऑलरेडी है, यहाँ तक कि हमारा छोटा गांव देहात भी है, तो हम थोड़े से बड़े अगर शहर में चले जाते हैं 10-20 किलोमीटर, तो वहाँ पे हमें आटा चक्की देखने के लिए मिलती है। लेकिन लोग ऑल ओवर महाराष्ट्र से और ऑल ओवर इंडिया से ऑटोमाइज की आटा चक्की मंगा रहे हैं, तो ये आटा चक्की में ऐसी क्या खास बात है? आप बेसिकली देख सकते हो यार, ये हमारी जो 80% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये एक हमारी कंपनी के एक USP बोल सकते हो आप जी। इसी दम पर हम आज मार्केट में सबसे एग्रेसिव और सबसे एक अच्छी कंपनी दिखाई जाती है जी। आइए दोस्तों, मैं आपको मशीन की खासियत बताता हूँ। बेसिकली ये अपना 5 HP का अपना विथ साइक्लोन वाला मशीन है। इसमें आप देख सकते हैं, ये उसका स्टेनलेस स्टील का हॉपर है। आप कितनी भी बड़ी मशीन देखने जाओगे, लेकिन उसमें लोहे का हॉपर आता है। तो ये अपना एकमात्र मशीन, एकमात्र कंपनी है जिसमें हम फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील मटेरियल का हॉपर देते हैं। आप देख सकते हो, इसमें से गेहूं यहाँ पर आता है। ये अपना डबल चेम्बर है, मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। ये अपना डबल चेम्बर, डबल कटर और डबल बीटर चेम्बर है। इसमें दो चेम्बर आते हैं, एक अंदर एक चेम्बर है और एक बाहर एक चेम्बर है। इसमें क्या होता है, मोर देन 70% अनाज अंदर ग्राइंड होता है और बाकी का यहाँ पर, इसकी वजह से एक फाइन आटे का क्वालिटी यहाँ पर पाउडर में कन्वर्ट होता है। और इसमें यहाँ पर आप जाली देख सकते हो, हाँ, इसी आपको 11 जालियाँ प्रोवाइड करते हैं हम लोग मशीन के साथ, जिस हिसाब से आप कितना फाइन आटा से लेके जितना आपको जाड़ आटा चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर इतनी प्रकार की जालियाँ आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको अगर समझो एकदम फाइन आटा बारीक चाहिए तो ये भी ले सकते हो। प्लस आपको अगर जानवर के लिए आपको समझो जाड़ा पीसना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। जी जी, जिसको हम बुरादा कहते हैं। यस, एग्जैक्ट, बुरादा या फिर बुरादा। कोई भूसा, भूसा भूसा उसको अगर बनाना है तो उसके लिए आप जाली का भी ऑप्शन है। हाँ, और फिर इसमें जाली निकालना लगाना जैसे मैंने देखा है बाकी आटा चक्की में खोलना वगैरह पड़ता है, तो इसमें जाली वगैरह का सिस्टम नहीं। आप देख सकते हो, एक इजी प्रोसेस है, यहाँ से आप खींच के ऐसे इजीली निकाल सकते हो और ऐसे ही जाली चेंज करके दूसरी वाली लगा सकते हो। कोई भी जाली ऐसी फिट हो जाएगी? कोई भी जाली ऐसी फिट होती है। ओके, यस यस यस। प्लस इसमें एक चाइल्ड लॉक स्विच है, आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ। ये अगर अपना मशीन चालू है, अगर ये चालू मशीन में आपने ये ढक्कन गलती से खोल दिया तो ये चाइल्ड लॉक स्विच है, ये रिलीज होता है और इससे मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। इससे कुछ हजार्डस, कुछ किसी को दिक्कत ना हो, ऐसा ये स्विच बनाया है। जी जी जी, यानी कि बच्चों के लिए बहुत सेफ्टी है। यस यस जी, बेसिकली आप देख सकते हो इसकी पूरी बॉडी है, ये MSA 7 लेयर कोटिंग में बनाई गई है। ये आपको लाइफ लॉन्ग तक चलने वाले मटेरियल है। प्लस ये मशीन में आपको फाउंडेशन की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एज इट इज़ ये जगह, ये कहाँ पर भी रख सकते हो, इसका वाइब्रेशन नहीं है, जीरो फाउंडेशन। क्या बात कर रहे हैं सर, फाउंडेशन के बिना आटा चक्की कैसे बैठेगी? नहीं सर, हमारी मशीन बैठ जाती है, इजीली बैठ जाती है सर। जी, मतलब कहीं भी अगर इसको लगाना है तो इसको रख दो और इसको मूव भी कर सकते हैं। यस यस यस, फाउंडेशन इजीली आप कहाँ पर भी रख सकते हो जी, कहाँ पर भी आपको यहाँ से शिफ्ट करना है इजीली शिफ्ट कर सकते हो। और सर एक चीज मैंने अभी मतलब बाकी आटा चक्की में देखी नहीं आज तक कभी, कि इसके साथ में ये जो लंबा वाला है ये क्या है सर? ये बेसिकली साइक्लोन है जी। ये साइक्लोन मतलब ये साइक्लोन ये क्या करता है, जब जब भी यहाँ पर
आटा ग्राइंडिंग होता है तभी इसमें जो हवा जनरेट होती है, प्लस आटा जो बनता है ये यहाँ से नीचे आता है, तो ये मशीन क्या करता है, ये जो भी आटा है हवा है ये सक्शन कर लेता है, सक्शन करके ये मोटर उसमें से टोटल मटेरियल सक्शन करती है। ये जो बलून है जी, ये कपड़ा, ये बलून का काम करता है और इसमें से जो भी हवा आती है वो अलग हो जाती है और जो ठंडा आटा है वो यहाँ पर आता है। इसमें आप देख सकते हो इसके अंदर और एक मोटर है, ये जो है ये एयर लॉकिंग का काम करती है। अच्छा। इसमें से एयर ऊपर ही रहती है और सिर्फ आटा ठंडा होके नीचे आता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें से सर्कुलर मोशन में आटा घूम के यहाँ पर आता है और ये जो मोटर है यहाँ पर ये एयर लॉकिंग का काम करती है जी। और यहाँ से सिर्फ आटा आपका यहाँ पर नीचे आ जाए जी। सर ठंडा आटा मतलब समझा नहीं मैं। ठंडा बेसिकली क्या होता है, जब भी आप ग्राइंडिंग करते हो तभी इसमें हवा, गर्म हवा जी और आटा दोनों का मिक्सचर रहता है। काफी गर्म आटा आता है, काफी गर्म आता है। आटा मतलब जब पीस के आप निकालते हो ना तो उसको टच नहीं कर सकते, सभी को पता होगा। एग्जैक्टली जी। और ये मशीन में ठंडा आटा निकाल दिया। यस। तो ये मशीन की खासियत ही यही है कि ये पूरा जो आटा जो आपको बाहर देने वाली जी, ये पूरा ठंडा करके देने वाली है। प्लस आप जो जूनी चक्कियों में देखते हो कि आटा का डस्टिंग प्रॉब्लम होता है, बेसिकली आप जूनी चक्की देखोगे तो उसमें सब जगह का सफेद आटा उड़ा हुआ है। हाँ। तो इसमें ये दिक्कत नहीं होती, इसमें जो भी आटा है रॉ फॉर्म में यहाँ पर आता है। इसकी वजह से जो डस्टिंग प्रॉब्लम होती है यार ठसका या फिर बपका जो उड़ता है उसका, ये प्रॉब्लम ये चक्की में नहीं आता। ये इसका खासियत है अपना। तो अभी इतने सारे जो सर ने इसके अंदर फीचर्स हमें बताए, सर क्या ये हमको अभी लाइव चला के देखने को मिल सकता है? यस जरूर दिखाएंगे। चलो दोस्तों एक बार लाइव आपको दिखाते हैं कि बाकी आटा चक्कियों से ये आटा चक्की अलग कैसे है। चलिए मैं आपको ये मशीन स्टार्ट करके दिखाऊं। पहले हम इसमें अनाज डालेंगे, अभी ये हम गेहूं डाल रहे हैं इसमें। ये गेहूं डालने के बाद हमको मशीन ऑन करना है। अभी ये मशीन ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो ये अभी मशीन पूरा स्टार्ट हो गया है। ये अभी इसमें हॉपर में गेहूं नीचे जा रहा है। इसमें आपको एक मेन बात कहने का मैं रहेगा, जब भी आप इसमें गेहूं डालोगे तभी ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा और जब भी ये इसका गेहूं पूरा ख़त्म हो जाएगा तभी ये 90 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली मशीन बंद होगा। इसके लिए आपको किसी को, लेबर को भी यहाँ पर रुकना नहीं है। जब भी आप डालोगे तभी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने वाला है, जब भी ख़त्म गेहूं हो जाएगा तभी मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अभी ये गेहूँ यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मतलब ग्राइंडिंग हो रहा है, ये अपना डबल बीटर में ग्राइंडिंग हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो आटा यहाँ पर आता है, ये अपना मैंने एक्सप्लेन किया इस हिसाब से, ये साइक्लोन, ये देखिए ये आटा ठंडा करके यहाँ पर सर्कुलर मोशन में सिर्फ आटा यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये मशीन को चलाने का प्रोसेस जैसे सर ने समझाया है, यहाँ पर अनाज डाला हुआ है और अनाज डालने के बाद में ये मशीन अंदर हॉपर में जब अनाज लेती है, सबसे खास बात तो ये है जो सर ने अभी बताई कि ये मशीन ऑटोमेटिक अनाज को लेती है और उसके बाद में जब अनाज हमारा ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक ही मशीन बंद भी हो जाती है, यानी कि आपकी बिजली की भी बचत हो रही है यहाँ पर और सारा सिस्टम ऑटोमेटिक यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद में जैसे सर ने हमें बताया कि डबल चेंबर डबल बिटर जो इसका फंक्शन है, इसमें आपका आटा पीस करके नीचे से ये पाइप के ज़रिए से साइक्लोन में आटा जाता है और साइक्लोन में गोल गोल घूम करके, जैसे आपने यहाँ पर देखा गोल गोल घूम करके नीचे हमें आटा मिलता है जो कि बिल्कुल ठंडा होता है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप देखिए ये अभी पीसा हुआ आटा है और ये आटा इसको हाथ लगा सकते हो, बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल ठंडा। और इसकी पिसाई मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नज़दीक से, इसकी पिसाई आप देखो कितनी बारीक है, देखिए एकदम टैलकम पाउडर जो है यहाँ पर बन चुका है। दोस्तों ये क्वालिटी का आटा शायद ही आपको कोई चक्की में देखने के लिए मिला होगा। जो भी लेडीज इस वीडियो को देख रही है वो तो ये आटे को देख करके बहुत खुश हो रही होंगी कि इतना बारीक आटा उनको चक्कियों में अक्सर देखने को नहीं मिलता है। और यही चीज़ को लेकर के हमेशा जो है एक बहस छिड़ी रहती है कि आटा बारीक नहीं मिल पा रहा है, तो ये चक्की में जितना बारीक आटा आपको देखने के लिए मिलेगा वो किसी और चक्की में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सर ये जो आटा पीसने का उद्योग है ना, ये काफ़ी सालों से लोगों के दिमाग में एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि आटा पिसाने वाले हमेशा चाचा या दादा ही होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी है
बाहर नहीं जा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है तो आटा चक्की डाल दिया है, या फिर के भाई घर बैठे कुछ कर रहे हैं तो आटा चक्की डाल दिया। तो आज की मॉडर्न जनरेशन को कैसे समझाया जाए कि ये बिजनेस मॉडर्न जनरेशन का है? ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा जी। अभी ये बिजनेस देखने गए तो ये यंग जनरेशन का बिजनेस है। अच्छा हाँ, अभी आप ये सिस्टम देख सकते हो, इसमें आपको कहाँ पर भी उसका डस्टिंग या फिर आटा उड़ा हुआ नहीं दिखता। बिल्कुल, आप ये कहाँ पर भी सेटअप कर सकते हो, एकदम साफ सुथरे वे में प्रेजेंट कर सकते हो। आप जो अपनी पुरानी चक्की है उसको लोगों की अभी इच्छा नहीं होती कि वहाँ पर जाके आटा पीस के खाए। जी। आप एक अच्छे वे में ये प्रेजेंट कर सकते हो बिजनेस, वहाँ पर एक हाइजीन कैप पहन के, हैंड ग्लोव्स पहन के, साफ सुथरा मास्क पहन के बैठ सकते हो और लोगों का एक समझ सकते हैं कि आप कितने अच्छे हाइजीनिक वे में ये कर रहे हो। इससे लोगों का प्रस्पेक्टिव चेंज होगा आपके बिजनेस को देख के, और एक यंग जनरेशन को भी एक अच्छा बिजनेस करने का जी एक ये रहेगा उसमें। और सर ये जो बिजनेस है अभी, जैसे यंग जनरेशन इसको करेगी वो तो आपकी बात बराबर है, लेकिन ये बिजनेस को अभी तक आपने जो ये बिजनेस लोगों तक पहुंचाया है और जो लोग ये मशीन को लेकर के ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे आपको क्या रिस्पांस मिला? काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस आ रहा है। हम लोगों को कहाँ से गेहूँ लेना है, मशीन तो लेते ही है, चलो बाद में उसको कहाँ पर बेचना है, लोगों को कैसे टारगेट करना चाहिए, इस हिसाब से गेहूँ कौन सा लेना चाहिए, आपको सिर्फ आप सर्विस बेच के भी इसमें पैसा कमा सकते हो, प्लस आप इसमें पर्टिकुलरली एक समझो वैरायटी है गेहूँ का, MPCR है या फिर बहुत सारी वैरायटी जी, आप से उसमें थोड़ा रिसर्च करके कौन से गेहूँ का चपाती अच्छा होता है, ये सब आप रिसर्च करके उसका ही आटा एक पैकिंग करके 1 किलो 2 किलो या 5 किलो हाँ, ये पैकिंग हाँ, करके ये भी बेच सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा है और लोगों के पास अच्छा पैसा कमा रहे, लोगों को टाइम नहीं है अभी कि लोग गेहूँ लेके आए वहाँ पर रुक के और आप पीस के आटा लेके जाए, उनको इंस्टेंट आटा चाहिए। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो, डायरेक्टली मार्केट अच्छा सोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से डायरेक्टली गेहूँ के बड़े बड़े बैच लीजिए, यहाँ पर ग्राइंड कीजिए, उसके 1 किलो 2 किलो 5 किलो के अच्छे साफ सुथरे वे में पैकिंग करिए और वो आपके शॉप की शेल्फ में रखिए। इससे लोगों का आपकी तरफ देखने का नज़रिया भी चेंज हो जी। इस बिजनेस को एक अलग वे से भी सोच सकते हो जी। अभी काफ़ी जो पेशेंट्स आ रहे निकल के, तो उनका ये दिक्कत हो रहा है कि उनको शुगर का प्रॉब्लम है या फिर ग्लूटन जो दिक्कत होती है। ग्लूटन बेसिकली क्या रहता है, जब भी आटा बहुत चिकना हो जाता है एकदम पतला, तभी उसमें से जो चिकनाहट रहती है उसको ग्लूटन बोलते हैं। तो इसका भी दिक्कत सिटी की या फिर जो भी जो फैट ऑबेस पेशेंट है उनमें ये दिखने को आ रहा है। काफ़ी लोग डाइट भी फॉलो करें तो इसके लिए आप इसमें से मल्टीग्रेन आटा भी बेच सकते हो हाँ, या फिर थोड़ा सा जाड़ा मोटा आटा भी बेच सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपके समझो एक महीने के 100 भी कस्टमर आए, फिर भी आप 1000 एक किलो एक महीने में आटा जाएगा जी। यानी कि मतलब अगर 100 भी लोग अगर आपके साथ में जुड़ रहे हैं ऐसे हाँ, जो महीने का मल्टीग्रेन आटा अगर खा रहे हैं एग्जैक्टली तो 10,000 किलो ऐसा आपका आटे का सेल हो जाएगा exactly. वो भी पैकेजिंग आटा पैकेजिंग और उसमें आपको कैसा है कि ग्रेन्स आप कितने से ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। इस पर मुनाफा बहुत बढ़ जाएगा। देखने गए तो आप ग्रेन्स का कॉस्ट रहेगा वो 30-35 रुपीज के आसपास जी, आप मिक्स में कैलकुलेट करके तो आप वो 70-80 रुपए के आसपास बेच सकते हो पर केजी। इस मशीन का एक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो बहुत मिनिमम है, मतलब 1-1.5 रुपया पर केजी कॉस्ट आता है ग्राइंडिंग। यस, 1-1.5 रुपया पर केजी। यस, यानी कि दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, अब 1-1.5 केजी के लिए 1-1.5 रुपया कुछ भी नहीं है 1 केजी के लिए। और यहाँ पर सर ने बताया कि ये जो मशीन है इससे आप दो बिजनेस कर सकते हो, मैं आपको इसको और अगर अच्छे समझाऊँ, एक तो सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप ये मशीन कहीं पर भी लगा रहे हो, गांव हो देहात हो शहर हो कहीं भी हो, लोग अपना अनाज लेकर के आ रहे हैं आपसे पिसवा के लेकर के जा रहे हैं, तो ये चीज़ में सर ये चीज़ में मार्केट में रेट क्या चल रहा है अभी अगर कोई पिसवा कर लेकर जाता है? ऑन एन एवरेज देखने गए तो 7-8 रुपये पर 7-8 रुपये पर के जी। तो अगर हम 2 रुपये अपनी लागत भी निकालते हैं लेबर और इलेक्ट्रिसिटी तो भी 6 रुपये का मुनाफा पर के जी है। यस, नेट। और ये मशीन सर 1 घंटे में तकरीबन कितना आटा पीसती है? अपना 5 HP का जो मशीन है जी, ये इसका आउटपुट 45-45 किलो से
60 किलो के आसपास है जी, यानी कि 45 किलो से 60 किलो, क्योंकि वो डिपेंड करता है अनाज के साइज पे भी डिपेंड करता है, क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, मोटा अनाज है कितना जाड़ा अनाज है जी। अगर इसमें आप चावल पीसने को जाओगे वो 60-70 किलो, या फिर चना डाले ये पीसोगे तो 70-80 किलो जी, मतलब जी, ये जो ग्रेन है उसका कितना साल जो मोटा है इसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग पर डे का 500 केजी भी पकड़ लेते हैं, जैसे मानो 10 से 11 घंटा आपने मशीन चलाई, 500 केजी अगर आपने सर्विस इंडस्ट्री में ग्राइंड करके दिया, तो 500 केजी पर अगर मैं 6 रुपया मुनाफा पकड़ूं, तो आपका मुनाफा तकरीबन 3,000 से 4,000 रुपये करीब में हो जाता है पर डे का। और अगर जैसे सर ने बताया कि इसमें आप आटा अगर अच्छे जगह से आप गेहूँ स्टॉक में ले करके वो गेहूँ को पीस करके आप आटा बेच रहे हो, जो कि आज के तारीख में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आटा बेचने में तो आपका मुनाफा पर केजी के ऊपर 15 से 20 रुपये तो आराम से हो ही जाता है इजीली से। मल्टीग्रेन आटा में और आपका मुनाफा बढ़ जाता है। तो अगर मॉडर्न जनरेशन आज की अगर ये बिजनेस को करना चाहती है ना, तो सर ने वो बिजनेस को करने के लिए 2-3 नए तरीके भी आपको बता दिए हैं। यस सर। और सर अभी आप ये बताइए कि ये बिजनेस को अगर कोई भी करना चाहता है तो मुनाफा कितना होगा ये तो समझ आ गया, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा सर? इन्वेस्टमेंट हमारे अलग अलग मशीन है सर जी। हाँ, हम 1 HP से लेके 15 HP के आसपास मशीन बेचते हैं, तो आपको पर आवर कितना आउटपुट चाहिए इस हिसाब से हम मशीन दें। हालांकि इस मशीन की कॉस्टिंग देखने गए तो ये 2,12,000 का पूरा मशीन का सेटअप जी, में इंस्टॉलेशन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, डिलीवरी चार्जेस सब आता है। हमारा बंदा आपकी जगह तक आएगा, वो पूरा इंस्टॉल करेगा, बाद में आपको डेमो देगा प्लस ट्रेनिंग देगा आपको किस हिसाब से क्या क्या पीसना चाहिए, क्या नहीं पीसना चाहिए, इसमें लाइट का फ्लक्चुएशन वगैरह मैक्सिमम हो भी गया, हमारे बैकअप पैनल रहते हैं उसमें से कुछ होता नहीं, फिर भी हमारा बंदा आके पूरा आपको ट्रेनिंग गाइड करके जाता है, मतलब इन शॉर्ट आपको ट्रेन करके जाता है जी, यानी कि पूरा ट्रेनिंग वगैरह सब उसी में आ गया। यस, तो दोस्तों ये प्रेजेंट जो मशीन है इसका रेट सर ने बताया आपको, ये आज की डेट में है। यस, ये बात को आप कभी भी ध्यान रखिएगा, वीडियो बन रहा है, पब्लिश हो रहा है, आप जब देखोगे उस वक्त का रेट कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, ये बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और सर ये जो मशीन है, जैसे अभी ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों गुजरात की कंपनी है, राजकोट की, और वहाँ पर इनका बहुत बड़ा फैक्ट्री, एकदम मेगा स्टोर, मेगा शोरूम वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर इनका स्टाफ है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत 100 से भी ज़्यादा अलग अलग मशीनरीज हैं, और इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग खुद ही वहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो मैं आया हूँ अभी, ये मुंबई का स्टोर है, इनका शोरूम है मुंबई। तो अगर आप महाराष्ट्र से बेसिकली बिलोंग करते हो तो बहुत आसानी से आप मुंबई आ सकते हो, और अगर आपको फैक्ट्री वगैरह देखना है तो आप गुजरात भी जा सकते हो। तो एड्रेस वगैरह सारा कुछ आपको मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप स्क्रीन पर दिए हुए एड्रेस पर आ सकते हो, या फिर मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हो और इंक्वायरी कर सकते हो। और आटा चक्की का जो ये नए जनरेशन का नया बिजनेस है, हालांकि बहुत टाइम से लोग आटा पीस रहे हैं, लेकिन ये नए तरीके से अगर आपको बिजनेस करना है तो आप कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में सर आप एक बार बता दीजिए कि और आप क्या क्या प्रोडक्ट में डील करते हैं। हम लोग ये अभी आटे का सेक्टर हो गया, इसके अलावा हम लोग जो स्पाइसेस रहते हैं, हालांकि सूखी मिर्ची प्लस जो खड़े मसाले, दालचीनी, इन शॉर्ट सब स्पाइसेस, सब मसाले, इसके लिए भी हमारा ये एक मशीन है, मसाला पल्वराइजर। यस, मसाला पल्वराइजर, इसमें सब तरह के मसाले ग्राइंडिंग होते हैं प्लस ग्रेडिंग भी होते हैं, ये पूरा एक सेटअप है। प्लस आपको घर के लिए आटा पीसने के लिए एक छोटा यूनिट चाहिए, उसको घर घंटी बोलते हैं, तो इसका भी हम आपको सप्लाई कर देंगे, आपको जहाँ पर भी चाहिए हम लोग भेज सकते हैं जी। सर ये मशीन जो है ऑल ओवर इंडिया में आपने ऐसा बताया कि जाता है, तो ऑल ओवर इंडिया में अगर किसी को ये मशीन मंगाना हो तो क्या करना होगा आपको? मैं आपको मेरा नंबर देता हूँ, या फिर कंपनी का भी नंबर है, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, आपको डिस्प्ले पे नंबर दिख जाएगा, वहाँ पर आप कॉल कर दीजिए, हमारी सेल्स टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके कहाँ पर इंडिया पूरा मंगा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये मशीन मंगाना है और ये बिज़नेस को शुरू करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप बेफिक्री होकर कॉल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ऐसे ही कमाल के बिजनेस आइडियाज़ के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।